चाहे गाय के बच्चे बछड़े कह लें, बकरी के बच्चे कह लें, भेड़ के बच्चे कह लें, सुअर के बच्चे कह लें, जैसा मैंने कहा सभी जानवरों को बरसात में खास देखभाल की ज़रूरत होती है और चूज़ों की ही तरह उनके घर को भी सुनिश्चित करें कि आर्द्रता यानी नमी कम हो, साफ सफाई बनी रहे, सूखा चूना छिड़कें, फॉर्मेलिन से छिड़काव करें और नहीं कुछ तो एटलीस्ट जो नॉर्मल हम लोग घर साफ करने के लिए यूज़ करते हैं फिनाइल उसे यूज़ करें। उसके अलावा जैसे मैंने बोला मल मूत्र नहीं अटकना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, गोबर वगैरह हमेशा साफ करना चाहिए, नालियों नालियों में भी ब्लीचिंग पाउडर का तो कम से कम हमारे किसान भाई बहन आसानी से छिड़काव कर सकते हैं नालियों में और बाहर के परिसर में। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के टाइम में ये ध्यान रखें कि प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर निकासी हो, सारे मलमूत्र और पानी का अटकने की कोई जगह ना हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ओवरऑल हमेशा और खासकर बरसात में जब हम दाना रखेंगे जानवरों का उसमें फफूंदी लगने का डर रहता है और उससे एफ्लाटॉक्सिकोसिस और कई जघन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए उसे रखने के लिए यह सुनिश्चित करें कि उसको जमीन से ऊपर और दीवार से हटा कर रखें। इससे क्या होगा कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम आएगा और फंगल इन्फेक्शन, फंगल मतलब ये इसकी चांसेस कम रहेंगे, मोल्ड वगैरह इन्फेस्टेशन के चांसेस कम रहेंगे। सुनिश्चित करना चाहिए जो तीन बीमारियां जैसे गाय भैंस के में भी होने की संभावना बहुत होती है, बछड़ों में भी होती है, तो ये जब हम लोग बात करते हैं तो FMD, HS और BQ ये तीन बीमारी बछड़ों में, PPR और एंटेरोटॉक्सीमिया ये दो बीमारियां गोट और शीप में बहुत महत्वपूर्ण है खासकर बरसात के पहले। इसीलिए सुनिश्चित करें कि इसका टीकाकरण सही समय पर हुआ है और हो जाने पर यथा लक्षण तथा दवा जरूर दें, उसके लिए उचित पशु चिकित्सक को कंसल्ट करें। FMD के प्रमुख लक्षण है बुखार होना, मुंह में छाले, फूट एंड माउथ डिजीज, जैसा नाम कहता है कि घाव मुंह में पैर में, ये क्लोवन फूटेड यानी खुर वाले एनिमल्स में होता है। उसके अलावा तो ऑब्वियसली इसमें बहुत तकलीफ होती है, जानवर को लार निकलता रहता है, खा नहीं पाता है और इसमें इसकी देखभाल जरूरी है, इसकी उचित चिकित्सा जरूरी है। दूसरा हमारा हो गया हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जो कि पाश्चुरिया मल्टोसिडा से होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। और तीसरा हमारा बीमारी हो गया BQ यानी ब्लैक वाटर, और ये हेमरेजिक सेप्टिसीमिया पर आते हुए इसे गलघोटू भी कहते हैं। तो नाम जैसा आप समझ रहे हैं इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है और BQ में जो होता है वो लीजन्स, हेमरेजिक लीजन्स होते हैं और उसमें क्या होगा ना कि BQ में जैसे कुड़कुड़ की आवाज़ आएगी जहाँ पे लीजन्स होते हैं। इस तरह से बरसात के मौसम में कुछ बातों पर ध्यान देकर किसान भाई चूजों और छवनों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें रोग मुक्त और स्वस्थ बना सकते हैं।